में और रियल डेप्थ 20 सेंटीमीटर था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख 20 डिवाइडेड बाई इसको तो इसको सॉल्व करना है, तो ये 5 सेकंड येलो ग्रीन एंड रेड कलर्स, व्हाइट लाइट इज पास थ्रू व्हाइट लाइट, ठीक है। अगर व्हाइट लाइट जो है ग्रीन करता है, अगर प्योर आपका चलेगा तो याद रखिएगा, तो येलो ग्रीन लाइट है ना, इनर सरफेस ऑफ द आई, जो आंख का सबसे अंदर का बैक सरफेस जो होता है उस, इसका मतलब कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है नहीं होने देगा ये। सातवां नंबर क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ इन एयर, का वेलोसिटी एयर में कितना होता है, 330 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम लोग 300 मीटर पर सेकंड लें, ठीक है। हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड ए होता है, तो ए ओमेगा से भी याद रख सकते हैं आप, और 2 पाई टी बाई ओमेगा, 2 पाई टी बाई ए। फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं हम लोग, कन्वेक्स लेंस को, कन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से बाहर की ओर जाएगा, तो यहाँ से लेके ऑप्टिकल जो लाइन जा रहा है यहाँ, ये जो ये जो है ये फोकल लेंथ कहलाता है, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ जो है साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो कोई भी चीज एक्स एक्सिस में राइट। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ फोकल लेंथ 120 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ है 120 और आईपीस का फोकल लेंथ है 5, जो टेलीस्कोप इज एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर के लिए सीधा सीधी फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्टिव का बटा आईपीस का फोकल लेंथ माइनस में, है ना, तो माइनस तो ऑलरेडी ही दे दिया है, तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है 120 और डिवाइडेड बाई आईपीस का फोकल लेंथ, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ही सीधा होता है मैग्निफिकेशन का टेलीस्कोप में, एफ नॉट अपॉन एफ ई, तो एफ नॉट अपॉन एफ ई, तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आपका कितना है बताइए, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है आपका 120 और इसका फोकल लेंथ कितना है आपका 5, तो 120 बाई 5 कितना हो जाएगा 24, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन है ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी है 312 हर्ट्ज, इट साउंडेड विद फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्ज, वो जो है उस ट्यूनिंग फॉर्क जो है 312 हर्ट्ज है, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में आ रहा है वो, और अगला वाला फ्रीक्वेंसी जो है एफ हर्ट्ज है, 4 बीट्स पर सेकंड से वो सुनाई दिया। व्हेन ए लिटिल प्लास्टिसिन इज एडेड टू द प्रॉन्ग्स ऑफ द फॉर्क, फॉर्क के प्रॉन्ग्स में एक प्लास्टिसिन को हम ऐड कर दिए तो बीट का जो नंबर है वो घट गया, तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना होगा, तो देखिए नंबर ऑफ बीट्स अगर घटेगा तो फ्रीक्वेंसी को चुपचाप जोड़ देंगे, ठीक है, अगर नंबर ऑफ बीट्स बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे, सो 312 और फिर अगला फ्रीक्वेंसी कितना ऐड हुआ था 4 बीट्स पर सेकेंड, तो 312 और उसमें 4 बीट जो है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 316 हर्ट्ज, ठीक है, घटेगा तो जोड़ देना है, बीट्स पर सेकंड को जोड़ देना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो होगा वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से रिपोर्ट करते हैं मालूम है ना, तो n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो c बाय v हो जाएगा, ग्लास बाय ग्लास, वैक्यूम 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 जो है ऊपर रहता है, ठीक है, तो c c बाय v होगा, तो n इक्वल टू c बाय v होगा, अब n आपका कितना क्या पूछा है आपका ग्लास का v पूछा है, तो v इक्वल टू c बाय n भी तो लिख सकते हैं इसको, तो c बाय 1.5, हाँ तो v इक्वल टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c बाई एन, तो c बाई एन के जगह पे हमला हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा c ऊपर रहेगा, ठीक है, n के जगह n इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो c बाई 1.5, 1.5 को कितना लिख सकते हैं 3/2, 3/2 ऊपर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ में आया बात, ठीक है। 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस स्पेक्टिकल्स का -50 है तो पावर क्या होगा, देखिए जो फोकल लेंथ होगा वही पावर होता है, 100 वटा फोकल लेंथ, माइनस साइन प्लस साइन नहीं बदलेगा, ठीक है, साइन वही रहेगा, तो 13 नंबर में कितना हो जाएगा, 100 बाई फोकल लेंथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 50 कितना 2, और साइन नहीं बदलेगा ऑलरेडी आपको बताए हैं,
तो -2 डायोप्टर होगा। साइन नहीं बदलता है, खाली 100 बाई 4 कर लेता। अगर सेंटीमीटर में आया तो मीटर में 1 बाई 4 कर। हाँ अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो 100 बाई 4 लेंथ, फोकल लेंथ निकल जाएगा डायरेक्ट पावर। और पावर निकालना है अगर ये मीटर में रहेगा तो 1 बाई फोकल, ठीक है ना। पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज 75 यूनिट्स। पोल स्ट्रेंथ आपका 75 यूनिट्स है। इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल कितना होगा? देखिए जब पोल स्ट्रेंथ दिया है इसका मतलब कि वो 0 पर है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर पे 75 बाई 5 होगा, 15 होगा, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं दिया है। 5 सेंटीमीटर पे, जितना सेंटीमीटर पे पूछेगा उतना डिवाइडेड बाई पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ठीक है। तो 75 बाई 5, 75 बाई 5 सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, 15। तो 15 जो है आपका क्वेश्चन में ही आंसर में नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, याद रखिए। तो ऑप्टोमीटर ऑफ ए कैमरा कंटेन्स, ऑप्टोमीटर जो कैमरा का होता है उसमें क्या क्या रहता है बताइए। हाँ फोटो इलेक्ट्रिक सेल रहता है ऑप्टोमीटर में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है। ऑप्टो मतलब लाइट, तो लाइट कब होगा, जब फोटो होगा। हाँ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। और मीटर है तो इलेक्ट्रिक आ गया। द सेकेंड पेंडुलम इज ब्राउट ऑन मून वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड क्या होगा अगर जी जो है मून पे चला गया, पेंडुलम जो है मून पे चला गया, तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा। टाइम पीरियड इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप पहले बताइए। अभी पहला क्वेश्चन यही था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, ये 2 है हाँ, एल बाई जी। बाकी चीज का छोड़ दीजिए, जी से क्या रिलेशन है इसका, इनवर्सली रिलेशन है और अंडर रूट है। इसका मतलब जी आप यही चीज को आप क्या कर दिए हैं, जी बाई 6 कर दिए हैं। तो ये 6 किधर जाएगा, पर जाएगा ऊपर जाएगा और √6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16th नंबर क्वेश्चन, 4, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डिक्रीज ड्यू टू, साउंड का वेलोसिटी जो है बड़े बड़े माउंटेन में घट जाता है। क्यों क्यों घट जाता है, क्योंकि टेम्परेचर माउंटेन हाइट पे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कमते जाएगा। तो साउंड का जो टेम्परेचर वेलोसिटी जो होता है, टेम्परेचर घटने से घटता है, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाई 2 प्लेनर्स, राइट एंगल पे रखा है तो कितना इमेजेस बनाएगा। एन इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। तो फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ प्लेन मिरर्स का, जो इमेज का होता है जितना डिग्री का एंगल है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा, जितना भी थीटा हो, ठीक है। हाँ लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 घटा देंगे। बताइए 360 बाई 90 कितना होगा, 4, 4 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म बाई कन्वेक्स मिरर विल बी, कन्वेक्स मिरर जो है कैसा इमेज बनाता है। देखिए कनकेव मिरर तो बनाता है रियल इन्वर्टेड, कन्वेक्स मिरर हमेशा बनाता है वर्चुअल इरेक्ट, और डिमनी साइज का होगा, छोटा साइज का होगा, क्योंकि रियर व्यू मिरर में जो है कार के रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर, कार के मिरर में आप देखते होंगे छोटा इमेज दिखता है, ठीक है। तो वर्चुअल बनेगा लेकिन रिड्यूस बनेगा, है ना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 19, लास्ट क्वेश्चन क्या था, 19 था, 41 आ गया ये, और पीछे है क्या। हाँ बीस नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इमेज सीन इन अ सिंपल सिंपल मिरर इज, द इमेज सीन इन अ सिंपल मिरर इज, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्लियर दिखेगा। द इमेज सीन इन अ सिंपल मिरर, सिंपल मिरर में मतलब जो इमेज होता है वो प्लेन, मतलब प्लेन मिरर बोल रहा है। तो प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, क्योंकि आप उसको छू नहीं सकते, रियल बनेगा नहीं, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा लेकिन सेम साइज का बनेगा, लेटरली इन्वर्टेड बनेगा, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेम साइज और स्ट्रेट बनेगा, है ना। दो प्लेन मिरर जो है 72 डिग्री पे रखा हुआ है, नंबर ऑफ इमेज जो है कितना फॉर्म होगा जब दोनों के बीच में मतलब रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एन इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1, 360 बाई 72 कितना आ जाएगा, 5, 5 में से 1 जाएगा 4। वेलोसिटी ऑफ विच कलर ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन ग्लास,
ग्लास में किस कलर का लाइट का वेलोसिटी जो है जैसा ज्यादा होगा उतना वेलोसिटी ज्यादा होगा। सॉरी, तो इस बताइए किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? रेड कलर का, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? आप जानते होंगे कि बहुत दूर से भी इसको हम लोग देख लेते हैं, रेड कलर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। अरे वेवलेंथ ज्यादा होगा तो इसका स्पीड भी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। फोकल लेंथ लेंस का 25 सेंटीमीटर है रेड लाइट में, तो ये फोकल लेंथ ब्लू लाइट में कितना होगा बताइए। तो ब्लू लाइट में फोकल लेंथ जो होगा हल्का कम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकल लेंथ रेड किस में, तो रेड लाइट में ही होगा है ना। वेलोसिटी ज्यादा है तो फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा ना। हाँ तो 1/f=1/v-1/u पढ़े हैं? हाँ, तो वेलोसिटी ज्यादा है तो फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा, तो ब्लू लाइट का उससे कम होगा। तो 25 से कम ऑप्शन कौन सा है? 15 बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, बहुत पास में ही है ना वो। हाँ, तो 24.5 सेंटीमीटर, बस आपको तुक्का मतलब लगाना था, मतलब कॉमन सेंस से। वेवलेंथ रेंज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ कितना से कितना के बीच में होता है? याद रखिएगा, -2 से -4, 10^10। -5 से -7, -7 वाला किसका होता है? विजिबल का। हाँ, तो -2 से -4 इंफ्रारेड का होता है। 25वां नंबर क्वेश्चन बताइए, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है 300 मीटर, ऑफ मीडियम रेंज इज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, वेवलेंथ दे दिया है। अभी आपको हम लोग क्या बताएं, वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सी सी इक्वल टू, अभी फॉर्मूला में हम क्या बताएं आपको, सी इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। तो सब तो दिया हुआ है, सी तो आपको पता है ना, 3 × 10^8 होता है, तो किलो में पूछ रहा है, तो 10^5 ले लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सारा ऑप्शन किलो हर्ट्ज में दिया है। तो 3 × 10^5 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया आपका क्या स्पीड ऑफ लाइट, और वेवलेंथ दिया हुआ है आपका 300। तो फ्रीक्वेंसी बताइए कितना हो जाएगा? देखिए, 3 से 3 कट जाएगा और 2 सुना से ये कितना हो जाएगा? हाँ, 2 कट जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, 10^3। 10^3 बोलो तो कितना, 1 किलो हर्ट्ज, अरे 1 मेगा हर्ट्ज, क्योंकि ये 10^3 किलो ऑलरेडी किलो में निकाले हैं। 10^3 किलो हर्ट्ज, 1000 किलो हर्ट्ज, 1000 किलो हर्ट्ज मतलब 1 मेगा हर्ट्ज, 10^6 हर्ट्ज है ना, ऑलरेडी हम किलो में यूज किए थे किलोमीटर पर सेकंड में है ना। यही अगर हम 8 यूज करते, 10^8 मीटर पर सेकंड वाला स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते, तो सॉल्व करके 10^6 आता, तो 10^6 आंसर आता। 10^6 बोलो तो क्या हुआ, 1 मेगा हर्ट्ज है ना। आइडियल टाइम, बस सी बराबर लेमडा इनटू फ्रीक्वेंसी पे कुछ किए ना, और कुछ नहीं पता लगा। आइडियल टाइम पीरियड जो है रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का आइडियल टाइम पीरियड जो होता है वो फिक्स होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के जैसा, 24 आवर्स है ना। सिंक्रोनस मतलब जो अर्थ के चारों ओर जियो स्टेशनरी है ना, तो जितना अर्थ का होगा उतना ही उसका भी होगा। ए प्लेनेट एट डबल द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑफ द अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। एक प्लेनेट है जो सन से दुगुना डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहा है, तो टाइम पीरियड जो होगा वो कितना होगा? √2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड अभी हम लोग क्या बताए हैं, टाइम पीरियड लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड जो होता है वो 2π√L/g होता है, इसका मतलब कि √L/अपॉन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो डिस्टेंस कितना है आपका, डबल फ्रॉम द सन, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस डबल होगा तो √2 टाइम्स होगा है ना, लेकिन जब डिस्टेंस डबल होगा तो जी भी बदल जाएगा। जी जब एच हाइट पे आप जाते हैं तो जी डैश क्या हो जाता है, एच हाइट पर जी डैश जो है एच हाइट पे g m/r, जनरल फॉर्मूला होता है ना। हाँ, g m/r² तो यहां पर r+h² हो जाता है। नॉर्मल जी होता है बड़का जी, कैपिटल gm/r² समझ में आ रहा, तो ये कैपिटल जी होता है। तो फोकस किस पे हमको रखना है, इस पे डिपेंड करता है वो, r+h² होता है। तो डिस्टेंस भी डबल हो गया है, इसका मतलब r+r हो गया है, वो भी r हो गया, एक्स्ट्रा बड़ा होगा ना,
तो वो 2r का होल स्क्वायर नीचे में जा रहा है, 4r स्क्वायर हो रहा है नीचे में, तो नीचे में एल अपॉन टाइम पीरियड अंडर रूट एल अपॉन जी पर डिनोमिनेटर करता है ना, तो इसको कर देते कंफ्यूजन। चलो अगर केपलर जो लॉज है उस केपलर्स लॉ से मतलब नहीं है, टाइम पीरियड से सीधा सीधी पूछ रहा है ना, तो टाइम पीरियड ही डायरेक्ट यूज करेंगे। तो टाइम पीरियड को हमको फोकस खाली करना है कि अंडर रूट एल डैश बाई जी डैश पे ही डिपेंड करेगा, बस इतना हमको फोकस करना है। तो एल डैश तो आपका कितना हो गया है, 2 टाइम्स एल है ना, ये 4 टाइप दिख रहा है, ये 2 टाइम्स एल है ठीक है। और जी हमारा क्या हो गया है, 2r का होल स्क्वायर बाई 4 हो गया है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स बाई 4 बोले तो ऊपर चला जाएगा ये, क्योंकि यहां पर जी बाई 4 ऐसे हो रहा है ना, जी बाई 4 हो गया, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 2 भी ऊपर जाएगा, तो 8 अंडर रूट 8 टाइम्स एल अपॉन जी आया, तो मतलब कितना का फर्क हो गया, √8 का हम लोग सोल्व करेंगे तो 2√2 ईयर्स का फर्क गया, समझ में आया बात, तो आपको सिर्फ इस फोकस इसी पे फोकस करना था, समझ गए। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3D इमेज प्रोड्यूस बाई लेजर इज कॉल्ड, जो लेजर के द्वारा जो 3D इमेज प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको होलोग्राम बोलते हैं ठीक है ना, याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड साउंड वेव को सी के बॉटम में सुनने के लिए, मेजरमेंट के लिए, सोनार यूज करते हैं, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वो कितना रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है वही मेजरमेंट कर लेता है वो, है ना, तो उसका स्ट्रेंथ पता चल जाता है। रेनबो इज प्रोड्यूस व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप, क्या होता है, नहीं तीनों रिफ्लेक्शन नहीं होता है रेनबो में, बाद में होता है वो ठीक है, फ्यूजन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ठीक है, मतलब इसको हाँ जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट है तो सबसे पहले उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर डिस्पर्सन हो जाएगा 7 कलर ठीक है ना, तो याद रखिएगा पहले ये भी पूछ सकता है कभी कभी। द एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम को फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड पाई एल अपॉन जी होता है, वो लेंथ और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड से क्या लेना है उसको। ए सेकंड टेकन टू द मून, सेकंड पेंडुलम को मून लेके पाएगा जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। इफ द इज 1 वैल्यू ऑफ द अर्थ, मून पे तो जी माने जी जो है एल अपॉन रूट जी पे काम कर रहा है, तो टाइम पीरियड आपका टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकेंड। अब नीचे ले गए तो ये √6 पे चलेगा, आपका जो जी है वो बाई अंडर रूट 6 हो गया है, जी डैश बाई 6 लेंथ पे फर्क नहीं है, तो ये वाला 6 ऊपर जाएगा है कि नहीं, आपका जी की वजह से, तो √6 जो है अप्रोक्स कितना वैल्यू देता है, 2.5 के आसपास, 2.5 जो है यही ऑप्शन है ना। तो टाइम इवोल्यूशन ऑफ एन आर्टिफिशियल अर्थ डिपेंड्स अपॉन आर्टिफिशियल अर्थ डायरेक्टली डिपेंड करता है ना जी, डिपेंड करता है तो डिस्टेंस में ही डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली ना, फाइनली जी का तो इसमें चर्चा ही नहीं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अच्छा दो के बदल, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर, ऑन माउंटेन लोग पढ़े हैं इसका क्वेश्चन, तो वहां पे क्या होगा, हाई माउंटेन पे प्रेशर भी कम होगा, तो प्रेशर देने प्रेशर का बात नहीं किया ठीक है, कूलर वूलर पे बात नहीं होता है ठीक है, तो प्रेशर जो है यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, और क्या बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड जो होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर और डेंसिटी लो रहेगा तो स्पीड ऑफ साउंड लो रहेगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज हायर देन इन एयर बिकॉज,
अच्छा, पानी में ज्यादा होता है वेलोसिटी और एयर में कम होता है, क्यों? अभी बताया आपको, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। डेंसिटी किसका ज्यादा है? वाटर का। तो वाटर डेंसर का ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, तो भी ज्यादा प्रेशर ज्यादा है तो साउंड का टेम्परेचर ज्यादा, साउंड का स्पीड ज्यादा। ठीक है, इन एन ओपन ट्यूब द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज एन। ठीक है, अगर एक एंड क्लोज है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा बताइए? अगर एक एंड क्लोज है तो फ्रीक्वेंसी एन बाई टू हो जाएगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड होता है डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, टाइम पीरियड होता है डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा? फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड हमारा क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना, तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो अब चीज बताइए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एन है, एक एंड क्लोज है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? एन बाई टू, 2 हो जाएगा, मतलब 2 बार वो वाइब्रेट करेगा क्लोज है तो। याद रखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखिएगा, एन बाई टू हो जाता है फ्रीक्वेंसी अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो। ठीक है, एन इको कैन नॉट बी हर्ड अनचेंज्ड अनलेस द रिफ्लेक्टर इज फार एनफ। इको अगर जो है, रिफ्लेक्टर अगर बहुत दूर होगा तभी इको हम सुनाई पाता है, क्यों? अरे नहीं सुनाई देता है, नजदीक रहता है तब सुनाई देता है। तो एक मतलब क्लियरली सुनाई देने के लिए जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए कम से कम। कम से कम 0.1 सेकेंड। हाँ, और मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर। तो हाँ, इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमारा जो है वो मीडियम से पास कर रहा है, तो ईगो का लोअर इंटेंसिटी हो जाएगा ओरिजिनल साउंड से। तो 0.1 सेकेंड हमारा टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है, और डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर। ठीक है, तब जाके आपको ईगो सुनाई देगा, दूर से नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन बता रहा है? क्योंकि ओरिजिनल साउंड जो है रिफ्लेक्टेड साउंड कवर कर ले रहा है, दूर दूर रहेगा तो कवर कर लेगा, अगर दूर रहेगा तो। नजदीक रहेगा तभी ना बैक आएगा। और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेडियो, रेडियो का वॉल्यूम अगर हम बढ़ाते हैं, माने वॉल्यूम मतलब आवाज, है ना, आवाज को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है हमारा? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ता है। ठीक है, आवाज जो है सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पर, लाउडनेस, है ना। टू डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। दो सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि फेज रिलेशन उनका फिक्स नहीं है। फेज रिलेशन फिक्स होगा तभी वो क्या कर सकता है, मतलब इंटरफेरेंस करेगा। ठीक है, कोहेरेंट है नहीं वो, इसको बैक बोला जाएगा ना। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? दो ट्यूनिंग प्रोब्स है जिसका फ्रीक्वेंसी 250 एंड 252 है। ठीक है, अगर दोनों को हम साथ में बजा रहे हैं तो टाइम इंटरवल जो है हाईएस्ट साउंड इंटेंसिटी का कितना देर के बाद समझ सुनाई देगा? तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना का है हमारा? 2 हर्ट्ज का, तो टाइम इंटरवल भी 2 सेकेंड का होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर 1/T होता है। तो इंटरवल 2 सेकेंड का है तो टाइम इंटरवल भी 2 सेकेंड का होगा, 2 सेकेंड बाद सुनाई देगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है इतना होता है, तो पता है आपको, ग्लास में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है। अभी आपको बताया है, एन इक्वल टू बी बाई सी बाई C भी, is equal to एन इक्वल टू सी बाई सी सी बाई भी। हाँ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब एयर सी अपॉन भी। सी हमारा लाइट का स्पीड होता है, तो भी इक्वल क्या हो जाएगा? सी अपॉन एन, तो 3 अपॉन 1.5, बोले तो 1.5 दूनी 2, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, है ना, तो 3 हो जाएगा। समझ में आया ना ये? एन बोलो चाहे म्यू बोलो, म्यू इक्वल टू सी बाई बी, बहुत लोग म्यू पढ़ते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को म्यू। तो म्यू इक्वल टू सी अपॉन बी होता है, याद रखिएगा, सी हमेशा ऊपर रहेगा, लाइट है, प्रकाश है, बहुत बड़ा चीज है, उसको ऊपर रखना है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इमेज ऑफ द साइज इन पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा को अगर हम इमेज का साइज बढ़ाना है, इमेज साइज, तो पिन होल कैमरा में आप क्या करोगे? पिन होल साइज भी बढ़ा कर देंगे, है ना।
पिन होल साइज बड़ा कर देंगे तो इमेज साइज बड़ा हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ ए शैडो प्रूफ दैट शैडो का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या प्रूफ किया? इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन हुआ कि स्ट्रेट लाइन में गया, स्ट्रेट लाइन में गया, ठीक है। द इमेज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंपल पेरिस्कोप, सिंपल पेरिस्कोप में जो इमेज बनता है वो कौन सा इमेज बनता है? वर्टिकल बनता है और सेम साइज का बनता है, ठीक है। वर्टिकल बनता है और सेम साइज का बनता है, ठीक है। पेरिस्कोप कहाँ यूज करते हैं? सबमरीन लोग यूज करते हैं सेलर्स के द्वारा, है ना। सबमरीन में यूज होता है सेलर्स के द्वारा ताकि वाटर सरफेस को दिखा सके, है ना, वाटर सरफेस को देखने के लिए यूज होता है। अब फिर पूछा, दो प्लेन मिरर है 72 डिग्री एंगल पे, ऑब्जेक्ट बीच में प्लेस किया गया है, कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा? 360 बाई थीटा माइनस वन, तो 360 बाई 72 5 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको फास्ट ले जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20, इमेज डिस्टेंस इज 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर विच इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल इज, कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे इमेज डिस्टेंस इक्वल होगा? तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 47 इक्वल टू, पहले ये मिरर है तो मिरर में आप 1 बाई f इक्वल टू क्या पढ़े हैं, प्लस होगा कि माइनस? लेंस में माइनस होता है, मिरर में प्लस होता है, याद रखिएगा ये बात। तो हाँ, तो 1 बाई v प्लस 1 बाई u, मिरर में प्लस होता है याद रखिएगा, और लेंस में माइनस होता है। तो पहले माइनस एल, एल फोर, एल और एम, एल में, एल और एम में बड़ा कौन? एम, एम बड़ा बोलो तो एम में प्लस होगा, ठीक है, बड़ा है मिरर, तो ए प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30 कितना हो जाएगा? हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे इमेज और इकोन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो सब कुछ नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि हर चीज लेफ्ट साइड में रहता है कॉनकेव मिरर में, देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे मिरर रहता है, ये पॉली सरफेस है, यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है, यहाँ पे कुछ भी ऐसे किए तो ऐसे पास होता है सी से, जानते हैं ना। तो हर चीज तो निगेटिव साइड में आ रहा, तो इसका इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब निगेटिव लेंगे, समझ में आ रहा ना बात? तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1/30, इमेज कितना दिया है, तो माइनस ले लेते हैं ऊपर में, नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो बात बराबर है, तो -1/30 और -1/u, 1/u सॉल्व करेंगे तो -1/20, दोनों निगेटिव क्यों लिए? क्योंकि दोनों निगेटिव साइड ही बनता है, तो 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, तो 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, सॉरी -3, तो ये कितना हो गया, -5/60, -5/60 बोलो तो कितना आ जाएगा, ये -1/12, तो इसका मतलब कि फोकल लेंथ हमारा कितना आया, 12। तो जितना फोकल लेंथ होता है उतना ही पे ना आप उसका दुगुना आप करिएगा तो 2f पर आपका सेम आता है, मालूम है? नई बात मालूम है कि नहीं? फोकल लेंथ आपका 12 आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इक्वल कब आएगा, जब दोनों का एवरेज ले लेंगे, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बराबर कब होता है, जब ये 2f पर लेते हैं, मालूम है ये बात? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रहता है, ये होता है फोकल लेंथ, ठीक है, और ये होता है 2f, एफ और 2f जानते हैं ना, तो 2f पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो जितना साइज का उतना ही साइज का बनता है, जानते हैं ना, पढ़े हैं ना ये सब मिरर इमेज सब। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से दुगना, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f 2f पे जो, तो इसका मतलब 12 दूनी 24 हो जाएगा आंसर। लाइट ऑफ विच कलर ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू द ग्लास, सबसे ज्यादा कौन होता है जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है? रेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम ए एंड बी 2 और √3 है, फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए टू बी द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कितना होगा बताइए? क्रिटिकल एंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बताइए क्या होता है फॉर्मूला? क्रिटिकल एंगल इक्वल टू म्यू इक्वल टू म्यू इक्वल टू 2, ठीक है, म्यू इक्वल टू 2 और म्यू इक्वल टू √3, तो उसका क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, साइन थीटा डायरेक्ट होता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम ए टू बी द क्रिटिकल एंगल,
साइन ए बाई साइन सी, मतलब कि साइन ए बाई साइन बी, तो टू उल्टा पलट दीजिए, 1/2 और 1/√3, कितना कितना पे आएगा? थीटा टेन थीटा हो जाएगा ना, सीधा सीधा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा √3 कितना पे आएगा? 60 पे आएगा ना, टेन 60। √3 वन बाई साइन से करने थर्टी पर थर्टी हाँ 60 पे आएगा। 60 पे आएगा। और है इन एग्जैक्ट फॉर्मूला, हम 1/sin, ये 2 मिनट कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार 2 मिनट चेक कर लेते हैं। चलिए वन अपॉन साइन म्यू, ठीक है, साइन इनवर्स दोनों का वो साइन इनवर्स √3/2 है ना। तो क्रिटिकल एंगल को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्रिटिकल एंगल हमारा कितना होता है? साइन इनवर्स, और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू है ना। तो म्यू कितना है यहाँ? √3/2 है, तो √3/2 का वैल्यू साइन थीटा में कब आता है बताइए? हाँ तो सर √3/60 मतलब साइन थीटा, साइन म्यू जो लेंगे वो क्रिटिकल 1/c आता है, साइन म्यू 1/c, ठीक है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला, साइन म्यू, म्यू मतलब उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो साइन म्यू जो होता है वो 1/ क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, ठीक है। और म्यू क्या होता है? वो जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का रेशियो, मतलब म्यू म्यू 2/μ1 है ना। म्यू एग्जैक्ट क्या होता है? μ2/μ1। साइन μ2/μ1 जो होगा वो 1/c के बराबर रहेगा हमेशा। इन ए प्रिज्म व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री, द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम एंड इज 42 डिग्री, रिफ्लेक्टिव एंगल कितना होगा? तो देखिए प्रिज्म में आप पढ़े हैं 2i-a होता है, ठीक है, a बराबर 2i- मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होता है? ए बराबर 2i-d, ठीक है, 2i- एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो भी है ना, हाँ 2i-d मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो होना चाहिए वो डी मिनिमम है। तो बताइए आई कितना है आपका? 50 डिग्री है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है, तो 2 × 50 डिग्री कितना हो जाएगा? 100, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 100। और मिनिमल एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 42 डिग्री, तो 100 में से 42 घटाइएगा तो एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 58 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है ना। समझ में आया? ये फॉर्मूला का खेल है खाली। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड एन रियल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज ऑलवेज। तो ये क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्ट और रियल इमेज जो प्रोड्यूस कर रहा है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ है उसका, तो वो हमेशा क्या होता है? तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और रियल इमेज प्रोड्यूस करने में फोकल लेंथ का, वो 4f होता है या फिर 4f से ज्यादा होता है। तो कौन सा हम लोग ले लेंगे? हम इसको हमेशा ज्यादा इमेज बनाएगा, तो 4 गुना बनाएगा। कब? ये कंडीशन, ये क्या पूछा है, समझ में आ रहा बात? ये पूछा है आपका कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पे फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों के बीच में जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, तो ये जो इमेज बनाता है जनरली सब इधर ही बनाता है, और ये इन्फिनिटी में जाकर के फाइनली जो इमेज बनता है ना इसका, ये पीछे बनता है इसका,
इस कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में, समझ में? तो जो एक ही कंडीशन है जो इमेज बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द लेंस बनता है, बाकी सब में इधर ही इमेज बनेगा, सब में राइट साइड में, लेकिन एक ही कंडीशन है अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में बनेगा कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये पीछे बनेगा और ये इसके चरगुना पीछे, बियॉन्ड पीछे बनेगा, ये पूछ रहा था, समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज। मैग्नीफाइंग पावर जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर अभी आपको बताए हैं, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव बाई आईपीस, ऑब्जेक्टिव को ऊपर है तो ऑब्जेक्टिव को बढ़ा दीजिए, है ना? ऑब्जेक्ट अभी फोकल लेंथ मैग्नीफाइंग पावर, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना, एम इक्वल टू माइनस ऑफ एफ नॉट को माइनस लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला को फोकल लेंथ निगेटिव रहता है, और डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, तो आईपीस ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का बढ़ाएंगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना? मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस ए, मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा, समझ गए? क्या बीच में स्पीड, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर और वेवलेंथ में क्या फर्क पड़ेगा जब पानी, जब साउंड वेव जो है वो एयर में जा रहा है, बताइए, जब जो है आप तो उस केस में नहीं, वो क्या खाली वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी तीरबाजी नहीं है, हाँ? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, फोर टाइम्स से थ्री टाइम्स पहले पहले बताइए, स्पीड ड्रॉ और वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी पढ़े हैं, बस यही रिलेट कीजिए इसमें, फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलता है जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं, चीज ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप रेरर मीडियम से जाओ चाहे डेंसर मीडियम से जाओ, मीडियम कुछ भी रखो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में कितना था एन, तो एन ही रहेगा, लेकिन वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ क्या है, स्पीड पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डेंसर मीडियम में स्पीड साउंड का ज्यादा होता है कि रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में वेवलेंथ बढ़ जाएगा, तो अब बताइए, अब बताइए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी तो एन का एन ही रहेगा, लेमडा क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा, है ना? तो दूसरा नंबर आंसर, तो ये कॉमन क्वेश्चन था, आपको सब कुछ पता था, उसी से आप बता सकते थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट करने पे 3 × 10⁸ आना चाहिए, सी बराबर वेवलेंथ, सी बराबर लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ऑलरेडी तीसरा बार ये फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, है ना? तो बताइए कितना हो जाएगा, लैम्डा आपको दिया हुआ है तो सी आपको पता है 3000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 3000 × 10⁻¹० है ये, है ना? तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ होता है सी, तो 3 × 10⁸ ये हो गया आपका सी, डिवाइडेड बाई लैम्डा, लेमडा आपका 3000 है, तो हाँ 3000 को हम लोग 3 × 10³ लिख सकते हैं, और 10⁻¹० तो उसको −7 लिख देते हैं एक ही बार, चलिए तो 3 से 3 कट गया आपका, है ना? −7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, और 3 से 3 तो कट गया, खाली 1 × 15, है ना? तो 55 का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला वाला, समझ में आया बात, डिलीट कर दिया जाए बाद में कंफ्यूजन नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया एन और ये भी हो गया पहला, ठीक है? अब देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 120 हर्ट्ज, अगर स्पीड ऑफ द वेव इज 480 मीटर पर सेकेंड,
इट्स वेवलेंथ क्या होगा, स्पीड भी दे दिया, फ्रीक्वेंसी भी दे दिया, वेवलेंथ पूछेगा, सेम फॉर्मूला है, सी बराबर लैम्डा इट एफ। तो बताइए दोनों का, दोनों का सी के जगह पे यहाँ 480 यूज कर लेंगे। हाँ 480 डिवाइडेड बाई हाँ 120, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को गुणा कीजिएगा तो स्पीड आएगा, याद रखिएगा। वो डिस्टेंस है, वेवलेंथ डिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी टाइम है, ये हो गया, चार हो गया, समझ गए। एंगल बना रहा है, एंगल पूछ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, नॉर्मल से 90 होता है, ये पूछ रहा है, कनकेव मिरर है, समझ गए। तो ये है आपका कनकेव मिरर, ये पॉली सर्फेस है उसका, तो ये जो है आपका लाइट जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ये फोकल लेंथ होता है, ये डबल 2f होता है, तो इस पे जाएगा तो इसी पे वापस आता है, जानते हैं नई बात, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है लेकिन यहां से जाके उसी पे वापस आ रहा है, मतलब क्या हो गया 0 डिग्री बन रहा, जब 2f पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो 2f से वापस आता है, जानते हैं नहीं बस। हाँ 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ जाता है, और अगला जो लाइन जाता है यहाँ ऑब्जेक्ट 2f पे आप लिए हैं तो ये भी यहाँ जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आता है, तो इंसिडेंस तो 0 डिग्री बना ना, वही रिफ्लेक्टेड होगा तो 90 होगा, और रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड बाद वाले में, मिरर वाले में, ऐसे याद रखिए 0 डिग्री सी वाले में। हीट रेडिएशन, अब हीट रेडिएशन जो है कितने स्पीड से चलता है बताइए, लाइट के स्पीड से, वो भी एक रेडिएशन है लाइट का। द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल्स इंक्रीजेज इन राइजिंग अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेग द प्रेशर ऑन इट हाउएवर ब्रेथ, हमेशा याद रखिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ कहते हैं कि प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम कम जाएगा। अब एक चीज बताइए, बैलून को आप कस के दबाइएगा तो उसका वॉल्यूम कमेगा कि नहीं, बैलून दबाएंगे छोटा हो जाएगा वो, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कमेगा, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उल्टा बताइए तो भी कौन सा आंसर हो जाएगा आपके अनुसार, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, बताइए जब बबल राइजेज अप होता है, बबल जब हाइट से ऊपर जाता है तो कहाँ ऊपर जाने पर जो डेप्थ बढ़ने से प्रेशर क्या होता है कम जाता है, और लेकिन बबल जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हाउ एवर द प्रेशर ऑन इट राइजिंग अप हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अभी हम क्या बताएं, जब ऊपर की ओर आप जाइएगा तो प्रेशर कम जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीज, ऐसे भी प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऊपर की ओर जा रहा है, कॉमन सेंस लगाइए, जम्मू कश्मीर में ज्यादा प्रेशर होगा कि बिहार में, ज्यादा अल्टीट्यूड पे कम प्रेशर होता है इसलिए तो खाना ठीक से पक नहीं पाता। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज, होने दे ये क्वेश्चन, व्हेन इट्स लेंथ इज डबल, टाइम पीरियड डबल कब होगा, द लेंथ डबल करेंगे तो रूट टू डबल होगा ना, अंडर रूट एल बाई जी होता है, लेंथ इज 4 टाइम्स होगा तब ना रूट होगा, समझ में आया बात, टी इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी, अंडर रूट होता है। अब अगला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, मैक्सिमम किसमें होगा, एयर वाटर ग्लास गैस में, सॉलिड में मैक्सिमम होता है ना, तो सॉलिड में मैक्सिमम होता है, अरे सॉरी डेंसिटी, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, हाँ वेलोसिटी जो है वेवलेंथ जब कमेगा तो वेलोसिटी भी कम जाता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वैक्यूम नहीं है यार, तो एयर होगा, एयर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ना, वाई एन इको इज हर्ड, इको क्यों सुनाई देता है,
साउंड वेव का खाली रिफ्लेक्शन होता है इसलिए सुनाई देता है। ए मेटालिक स्फीयर इज केप्ट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर, दो मिरर के बीच में एक मेटल का सरफेस को रखा गया है, स्फीयर को, कितना इमेज बनेगा? इनफिनाइट इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा माइनस वन होता है लेकिन वहां पे जीरो, हाँ तो इनफिनाइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम स्पीड। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस ऑफ मायोपिक आई कैन बी रेक्टिफाइड, मायोपिया का जो कौन सा आई से रेक्टिफाई करते हैं, कॉनकेव लेंस से। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन नॉर्मल आई का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। द कलर ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स थ्रू ग्लास विद द मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड जो है भी प्योर में होगा तो भी भी वायलेट सबसे मिनिमम होगा, रेड सबसे ज्यादा होगा। वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी इज नोन एज, एक कंप्लीट सेट पॉजिटिव और नेगेटिव का हो गया है, मतलब एक वेव कंप्लीट बन गया है, उसको क्या बोलते हैं, साइकिल। साइकिल, साइकिल। जैसे मतलब ये एक एक्सिस है और यहां से एक वेव चला पॉजिटिव नेगेटिव करा तो ये एक साइकिल हुआ, ठीक है। अरे भाई साहब धीरे धीरे चलो। इको आर ड्यू टू, इको क्यों होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से, अभी हम लोग पढ़े हैं, है ना। 70 नंबर, 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फोर्स दैट काउज ए स्प्रिंग टू इवेंचुअली रिटर्न टू इट्स नॉर्मल लेंथ, कौन किस फोर्स की वजह से वो नॉर्मल लेंथ पे आता है, रिस्टोरिंग, मतलब एक स्प्रिंग को हम खींचे ऑटोमेटिक वो फिर खींच लिया, मैंने मान के चलिए कि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और इसको आप अगर इधर पुल करेंगे तो ऑटोमेटिक रिस्टोरिंग वजह से ये पीछे आ जाएगा, है ना। तो चौथा नंबर हो गया 70। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिपेंड्स ऑन, सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, ना एम्पलीट्यूड पे ना फ्रीक्वेंसी पे, आपको पता है क्योंकि वो डेंसिटी पे सब पे डिपेंड करता ही नहीं है, मीडियम मीडियम पर, तो खाली स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ, एक व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो है किस चीज पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इन द वैक्यूम द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल इज नॉट हर्ड बिकॉज साउंड ऑफ रिंगिंग बेल साउंड प्रोपगेट ही नहीं होता है, वैक्यूम कोई भी साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि ये साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसको मीडियम चाहिए, मैकेनिकल वेव है वो। द एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज, सॉरी, पानी में जो बबल्स है वो किस तरह का बिहेव करता है, कॉनकेव लेंस की तरह, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा वेव होता है, लाइट वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स वेव भी है, लाइट वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, वायलेट का। नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा ये बताइए, एम्पलीट्यूड पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है फंडामेंटल नोट में आता है और उस पर कभी भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी स्टिफनेस पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा, ठीक है। रेजोनेंस होता है ना, तो उसमें एम्पलीट्यूड का वर्ड नहीं आता। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स ऑन, वेलोसिटी जो है किस चीज पर डिपेंड करता है बताइए, देखो टेम्परेचर पे तो करता ही करता है, हाँ डेंसिटी पे भी करता है और इलास्टिसिटी पे करता है सबसे ज्यादा, ठीक है, इसमें वॉल्यूम देके गलती कर दिया। और इंक्रीज इन टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड का वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा बढ़ जाता है, तो आपको बताया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है किस मोशन को बोलते हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हम लोग किस मोशन को बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक मतलब सर्कुलर मोशन ही है लेकिन कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। ओपन एंड ऑर्गन पाइप कैन प्रोड्यूस, ओपन एंड ऑर्गन पाइप कैसा हार्मोनिक प्रोड्यूस करेगा, ऑड इवन या फिर सब हार्मोनिक, बताइए। ओपन एंड पढ़े हैं,
ओपन एंड ऑर्गन पाइप जो है हर तरह का, जितना भी हार्मोनिक है हर तरह का हार्मोनिक प्रोड्यूस कर सकता है, ऑड भी हो इवन भी हो, सब हो, ओपन है ना वो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायोड यूज, डायोड के लिए क्या क्या करने के लिए डायोड यूज किया जाता है? डायोड रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की तरह यूज होता है ना, रेक्टिफायर बोल तो एसी से डीसी में जो कन्वर्ट करता है। द लाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड कलर का होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन नॉट यूज द एसी, किस चीज में हम लोग एसी यूज नहीं कर सकते हैं? क्यों? उसमें स्मॉल करंट रहता है, हाँ, स्मॉल करंट रहता है और गैल्वेनोमीटर जो है सेंसिटिव डिवाइस है ना, तुरंत अफेक्ट हो जाता है, 10^6.6 एम्पियर में ही अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग सीरीज में रखते हैं, इसलिए हमको इसको सीरीज में रखते हैं क्योंकि ये करंट सर्किट में तुरंत चेंज हो जाएगा, इसलिए हमेशा सीरीज में यूज होता है ये गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन तो और आगे आ गया लग रहा है, इसके और पहले है क्या? हाँ, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू, साउंड किसमें सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा? स्टील में, सॉलिड में है ना। इफ द इनपुट टू ए डिफरेंशिएटिंग सर्किट इज ए सॉ टूथ वेव, देन द आउटपुट विल बी, इनपुट अच्छा ये रॉ है, रॉ है ठीक है ना, तो आउटपुट जो होगा रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, रॉ टूथ होगा अगर इनपुट, तो डिफरेंस मतलब आउटपुट जो होगा रॉ टूथ वेव में, इनपुट अगर है डिफरेंशिएटेड सर्किट में, इनपुट जो है अगर रॉ टूथ वेव है तो आउटपुट जो होगा रेक्टेंगुलर वेव होगा। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ द एयर विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द ईयर आर नोन एज, जो कान से आप सुन सकते हैं जो वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड वेव, सही बात है, वही 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है ना। पिच ऑफ ए साउंड डिटरमिन्स बाय, पिच किस चीज पर डिपेंड करता है? पिच जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा ये बात है ना। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लेडीज लोग का फ्रीक्वेंसी हाई रहता है, हाई पिच होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडिबल, 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, अब उसके ज्यादा और उससे कम नहीं सुन सकते हैं, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज में ये आ जाएगा, 25,000 नहीं सुन पाएंगे है ना, ये अल्ट्रा वायलेट हो गया। द मिरर यूज इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द रियर बिहुल्ड ऑफ मिरर, अच्छा जो भी कार में जो पीछे वाले का हम लोग मिरर देखते हैं, वो कौन सा मिरर रहता है? ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, पहले भी बोले थे, पीछे वाला देखने के लिए कन्वेक्स मिरर होता है जो वर्चुअल और डिमनिश इमेज बनाता है ना, रियर व्यू मिरर। सेविंग मिरर में कौन सा होता है? कनकेव मिरर, क्योंकि आपको बड़ा मुंह दिखाता है ना। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट किस चीज पर डिपेंड करता है बताइए? कुछ भी पे भी नहीं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट होता है, वैक्यूम है। द इनर बैक सरफेस ऑफ द आई इज, फिर पूछा, कोरोइड बोलते हैं इसको है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर 330, 330 को 300 ले लेंगे। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज मेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 और फोकल लेंथ दिया हुआ है 20, और दूसरा मीडियम है 1.3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और फोकल लेंथ पूछ रहा है, दोनों का रेशियो को बराबर कर लीजिए, समझ में आया? 95 नंबर में क्या दे रहा है? 150 और 20 है, और अगला जो है 1.33 है, 95, तो कौन सा होगा? 95 कौन सा होगा? 20, क्यों क्यों चेंज नहीं करेगा? फोकल लेंथ को क्या फर्क पड़ रहा है भाई, कुछ भी करो, हाँ वो तो फोकल लेंथ तो सही रहेगा, फंसाने के लिए दिया है तो, ठीक है, फोकल लेंथ इफेक्टिवनेस पर डिपेंड नहीं करता है ना। इन रेड लाइट ए लेंस है फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, इन ब्लू लाइट इज प्रोबेबल फोकल लेंथ इज, अच्छा यहाँ पे मीडियम चेंज कर दिया, तो अभी आपको बताया है कि फोकल लेंथ जो है ब्लू लाइट का जो है ज्यादा हो जाएगा, सॉरी वेवलेंथ जो है ऑलमोस्ट हाफ होता है रेड लाइट का, ब्लू लाइट का फोकल लेंथ ज्यादा होगा कि रेड लाइट का? अभी क्या चीज हमें पढ़े थे, 24.5 सर, 25 सर, थोड़ा सा कम आएगा, हाँ तो कौन सा होगा? हाँ सेकंड नंबर, ब्लू लाइट का कम होगा क्योंकि वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा ये,
हाँ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज, अगर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ा दो, है ना। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप जो है कैसा कैसा इमेज बनाता है बताइए। ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ऐसा कैसा इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड बनाएगा और वर्चुअल बनाता है, सिंपल वाला बड़ा इमेज दिखाता है ना आपको। कटिंग वेलोसिटी और टूल लाइफ और रिलेटेड जो है कैसे होता है। हाँ, वी टी के पावर एन बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है। एन क्या होता है इसमें, कॉन्स्टेंट, है ना। तो टी के पावर एन जेड, वी टी के पावर एन जेड, वही चाहे पावर एन जो है कॉन्स्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेंस ऑफ सुटेबल पावर इज यूज फॉर करेक्टिंग द आई डिफेक्ट ऑफ मायोपिया। मायोपिया के लिए जो है हम लोग कौन सा लेंस लेंगे, कनकेव लेंस। ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, मायोपिया के लिए कनकेव लेंस। 102 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीच जो है किस चीज पर डिपेंड करता है, पीच जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। बीम जो है एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द सपोर्ट्स इज कॉल्ड, सपोर्ट्स के आगे भी जा रहा है तो ओवर हैंगिंग है ना। तो ये हो गया आपका ओवर हैंगिंग बीम, मतलब कि ऐसा है, मतलब कि एक ऐसा बीम है जो यहाँ पे एक सपोर्ट दिया है और एक यहाँ पे सपोर्ट दिया है, उसके बाद भी ये बीम लटका हुआ है तो ओवर हैंगिंग है ना। इन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में आपका जो कैरियर एम्पलीट्यूड जो है चेंज होगा, जो मॉडुलेशन है वो चीज चेंज होगा, है ना। इन ऑप्टिकल फाइबर, टोटल हाँ, फोर्थ ऑप्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। व्हेन वाटर इज फ्लोइंग थ्रू पाइप, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, पाइप के थ्रू अगर फ्लो कर रहा है तो वेलोसिटी जो है सेंटर पे मिनिमम होगा और वॉल पे ज्यादा होगा। ये आपको फ्लूड मैकेनिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। फ्लो थ्रू पाइप में सेंटर पे मिनिमम वेलोसिटी होता है और किनार में ज्यादा, किनारे में ज्यादा होता है। वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन बाई, अगर वर्चुअल इमेज आपका बड़ा हो रहा है इसका मतलब कनकेव मिरर है ना। हाइयर वही होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में इमेज जो है ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा बनता है। टाइम पीरियड जो है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी 0.02 सेकेंड है, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/T कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/T, तो फ्रीक्वेंसी जो होगा 1/0.02। तो ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 को 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, ये पॉइंट उड़ा दीजिए, ये खाली 2 से कट जाएगा, कितना बार में, 50 बार में, है ना। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 109 नंबर कर रहा है, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में कैरियर वेव जो है वेरी किस एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पे वेरी कर रहा है। इसको बैक कैसे देंगे, इधर करेंगे, ठीक किस चीज पर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में कैरियर जो होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। वोल्टेज हाँ, बस खाली वोल्टेज पे, ओनली वोल्टेज, मॉडुलेटिंग वोल्टेज, ठीक है। बेलोमीटर्स आर यूज टू मेजर, बेलोमीटर्स किस चीज के लिए नापते हैं हम लोग, बेलोमीटर जो मैग्नेटिक रेडिएशंस को नापता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर सोर्स ऑफ पावर जो है 4 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है 10^20 फोटॉन्स पर सेकेंड, तो रेडिएशन जो है स्पेक्ट्रम का वो क्या है, 10^20 जो है किसके रेंज में आएगा, 4 किलोवाट। ई बराबर क्या होता है, एक्सरे, अरे एक्सरे बोल रहे हैं, एनर्जी बराबर होता है hc/λ, एच म्यू फ्रिक्वेंसी, एच इंटू फ्रिक्वेंसी पढ़े होंगे, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग c/λ लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी पढ़े ना c/λ × फ्रीक्वेंसी, तो एच म्यू फ्रीक्वेंसी है, एच एफ, अब एफ को हम लोग c/λ लिख सकते हैं, यही आपको दिया हुआ था। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है 6.626 × 10^-34 जूल सेकेंड, है ना। ये एच का वैल्यू फिक्स है, आपका सी का भी वैल्यू फिक्स होता है, कितना होता है, 3 ×
10 के पावर 8 है ना। तो ये मतलब कि इसका जो वैल्यू जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एनर्जी बराबर एस सी बाई लेमडा, ये जो थी लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी आपका दिया हुआ है 14.4, 4 किलोवाट है ना आपका, तो 4 किलोवाट 1 किलोवाट में कितना होता है, 3.6 × 10^6 जूल। तो ये 4 किलोवाट में इसी को एनर्जी लेमडा हमको निकालना है, तो लेमडा इधर ले लेंगे, ई इधर आ जाएगा, लिख सकते ना ऐसा, तो लेमडा इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा ई का वैल्यू, ई का वैल्यू है 4 × 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 × 10^6 जूल, समझ में आ रहा ना बात। हाँ, तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको 1.3 × 10^-13 मीटर आएगा, ठीक है, जो कि आपको -13 जो है गामा रे के रेंज में आता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट इच साइन इनवर्स एन इक्वल टू सी होता है, पढ़े हैं ना अभी आप, वही फॉर्मूला ही पूछा है। साइन इनवर्स साइन इनवर्स दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2/N1 है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट टोटली पोलराइज फ्रॉम एयर रिफ्लेक्टिव, टोटली पोलराइज में टेन इनवर्स एन हो जाएगा डायरेक्ट। सॉरी, 113 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स आई अपॉन आर होता है, वो आई पी अपॉन आर होगा, दोनों कट कट के टेन हो जाएगा, ठीक है। वन ऑसिलोस्कोप सिलेक्टर नॉब दैट अलाउज द मेजर एंड माइनर डिवीजन ऑफ द ग्रेटिकुल टू बी यूज टू डिटरमाइन ए सिग्नल एम्पलीट्यूड वैल्यू इज कॉल्ड, बताइए इसका जो होता है वोल्ट्स पर सेंटीमीटर कंट्रोल कहलाता है, ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट मतलब डिफिनीशन ही पूछा है। एक ऑसिलोस्कोप सिलेक्टर नॉब जो होता है, जो मेजर और माइनर डिवीजन जो होता है ग्रेटिकुल में, वो सिग्नल एम्पलीट्यूड वैल्यू को हम लोग वोल्ट्स पर सेंटीमीटर कंट्रोल बोलते हैं। सीआरटी ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले क्या करता है, सीआरटी ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले जो है वोल्टेज और पीरियड को बताता है, ठीक है। कैथोड रे होता है ये, कैथोड ऑस्किलोस्कोप होता है ये, इलेक्ट्रॉनिक लेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऑब्जर्वेशन जो करता है, मतलब बहुत सारे सिग्नल वोल्टेज को एक मतलब डायमेंशनल प्लॉट ग्राफ बनाता है और उसको टाइम के फंक्शन में बताता है ये, तो वोल्टेज और टाइम, तो वोल्टेज और टाइम जो है सीआरटी करता है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड जो है पल्स का टाइम के साथ वेरी करेगा, पल्स टेन इज वेरिड। 116 116 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज, कोर कोर और क्लैडिंग होता है, बाहर कोर होता है, अरे बाहर क्लैडिंग होता है, अंदर कोर होता है, जो पाइप होता है ना ऑप्टिकल फाइबर का, तो पाइप का अंदर का पार्ट जिसमें लाइट घुस रहा है, जैसे आपको कोई एक पाइप खिलाया गया मुंह के अंदर, अंदर का आपका डाइजेशन इंडोस्कोपी होता है ना आपका, इंडोस्कोपी में जो पाइप आपके मुंह के अंदर डालता है, तो जो पाइप का बाहर का पार्ट है उसको क्लैडिंग बोलते हैं और पाइप के अंदर का पार्ट को कोर बोलते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका रखेंगे, कोर का कि क्लैडिंग का। करने का है हाँ, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रखेंगे कि कम रखेंगे, क्योंकि क्यों? उसको जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए हाँ, टोटल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होने के लिए उसको ज्यादा रखना पड़ेगा है ना, अंदर का ज्यादा रखना पड़ेगा, तो अंदर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर ए साइन वेव द फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेटेड बाय द साइकिल्स पर, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड है ना, तो 117 का हो जाएगा 1। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अभी हम लोग पढ़े हैं, एम्पलीट्यूड कैरियर फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुकूल। 117 118 119, व्हेन ए 50 हर्ट्ज साइनोसॉइडल वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए इनपुट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर है ये, तो हाफ वेव रेक्टिफायर है तो वो क्या करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं बदलेगा क्योंकि वो डीसी हो गया, तो डीसी में फ्रीक्वेंसी कहाँ से बदलेगा है ना,
फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंस मॉडुलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन ब्रॉडकास्ट बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना के बीच में होता है, 87 MHz से 108 MHz, ये तो आपको याद है। ठीक है, तो आपका जो है ऑसिलेशन ऑन वेव्स खत्म हो गया, कितना देर बर्दाश्त